झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल की बात करें तो झारखंड में 2844 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें से रांची में सर्वाधिक 1049 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है। वहीं पूरे झारखंड की बात करें तो 29 लोगों ने कल कोरोना से अपनी जानें गंवाई। अब तक यदि झारखंड के आंकड़े की बात करें तो 1,44,000 के करीब पॉजिटिव केस झारखंड में मिले हैं, जिसमें से 1,26,000 के करीब जो मरीज हैं वे ठीक हो चुके हैं। वहीं लगभग 17,000 अब भी पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वे पॉजिटिव हैं। यदि रांची की बात करें तो रांची में कल 1,049 जो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद रांची में लगभग 7,000 के करीब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हो चला है। यदि पूरे झारखंड की बात करें तो जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, इसको लेके स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं अब सचेत दिख रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इससे पहले एक आदेश पारित किया है कि अब निजी अस्पताल में 50% जो सीट है उसे रिजर्व रखना होगा कोरोना मरीजों के लिए, और इसमें कोई भी कोताही होती है तो निजी अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री जो कोरोना गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी किए गए हैं उस पर भी कुछ ना कुछ नए संकेत दिए हैं। आखिर स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। हम लोग पूरी तरीके से हम ऐसा नहीं करेंगे कि अचानक रात 8 बजे आके घोषणा कर दिया या अचानक घोषणा कर दिया। हम लोग जरूर कर रहे हैं और उसी का ये क्रम है कि हमने रात 8 बजे जो है सभी प्रतिष्ठानों को और जो अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ कर रहे हैं उन लोगों को रोकने का काम किया और जुलूस वगैरह इस सब पर भी अंकुश लगाया। और यदि इस दुख में इस तकलीफ में जब लोग लाचार बेबस हैं और यदि इस समय उन्होंने कोई कोताही की तो हम बड़े से बड़े कार्रवाई करने से नहीं चुके।